हेलो दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराते हैं श्री श्याम मंदिर का। ये अर्जुंदा सराईपाली में स्थित है। ये पिछले साल ही इसका इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये मंदिर बहुत ही भव्य और एक दार्शनिक स्थल ही समझिए, एक घूमने लायक अच्छी जगह है और आस्था का भी एक बहुत बड़ा ये केंद्र है। रास्ता तो अभी ऐसा ही है, पर धीरे धीरे ये भी पक्की सड़क बन जाएगी। तो देख पा रहे होंगे बाहर का नज़ारा। इसका लोकेशन बहुत ही शांत जगह पर है, आसपास आपको गाड़ियों की आवाज़ वगैरह भी सुनाई नहीं देती है। तो अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। देखिए, बारिश की वजह से यहाँ थोड़ा कीचड़ ज़रूर हो गया है, लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही आप सब दुख दर्द भूल जाएंगे। यहाँ आपको राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि श्री श्याम खाटू श्याम भगवान जी को राजस्थान में ज़्यादा मानते हैं। और ये रहा वो बड़ा सा घंटा बजाता ये बालक। तो मंदिर की भव्यता आपको धीरे धीरे हम अंदर दिखाएंगे। इसका मेन आकर्षण है इसकी लाइटनिंग। तो कई लोगों का मैंने स्टेटस देखा, तो उसमें जो भव्य लाइटनिंग यहाँ की होती है रात को, वो देखने लायक है। चलिए अंदर करते हैं प्रवेश। ये बहुत ही शांत और स्वच्छ वातावरण में ये मंदिर स्थित है। यहाँ देखिए झूमर, यहाँ भगवान शिव पार्वती माता का मंदिर है और बीच में श्री श्याम श्री खाटू श्याम भगवान हैं। और यहाँ राइट में देखेंगे तो बजरंगबली की मूर्ति है। यहाँ एक भी सीलिंग फैन नहीं है। यहाँ हॉल में पूरे एसी लगे हुए हैं और लाइटनिंग जैसा आप देखिए। यहाँ बोर्ड में कुछ लिखा है, आप किस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं उसका रेट लिस्ट है। अर्जुंदा धाम बोला जाता है इस जगह को, ध्यान देंगे। अब करा देते हैं आपको इसकी परिक्रमा। अभी अभी बना है तो मंदिर बहुत चमक रहा है। और कई मंदिरों में मैंने देखा है लोग गुटखा खा के थूक देते हैं, तो यहाँ एक तो ऐसे लोग आते भी नहीं हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादातर इस मंदिर में अभी दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसकी कलाकृति, बहुत ही मॉडर्न तरीके से इसको सजाया गया है। यहाँ पीछे गार्डन है। यहाँ आपको भोजन की भी व्यवस्था मिल जाएगी, उसके लिए आपको 100 रुपये का टोकन कटाना पड़ेगा, जिसे सेवा शुल्क कहा जाता है। तो मंदिर आकर बहुत ही शांति तो महसूस हो रही है। देखिए कि कितनी शांति है यहाँ। भूख भी ज़ोर से लगी है, तो नारियल खा खा कर ही पेट भरना पड़ रहा है। मंदिर के साइड में देखिए लाइटनिंग की भरपूर व्यवस्था है, और ये सीमेंट का ही बना हुआ है। ऊपर फाल सीलिंग भी हुई है। यहाँ एक ऐसा बड़ा सा हॉल है जहाँ कुछ कार्यक्रम आयोजित होती है, तो लोग वहाँ जाते हैं। और इसकी कलाकृति देखिए, बहुत ही आधुनिक तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। झूमर 3 हैं, जिसमें से एक ठीक से नहीं जल रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया है ये। तो आप भी समय निकाल के इस मंदिर पर आ सकते हैं। ये मंदिर बिलासपुर से 150 किलोमीटर, रायपुर से 160, रायगढ़ से 90 किलोमीटर और महासमुंद जिला मुख्यालय से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।